हेलो गाइस, मैं हूं अमन गुप्ता एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आए हैं BYD के शोरूम पे। BYD का हाल ही में इंडिया में नया गाड़ियां आई है, नया प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। तो BYD का जयपुर में नया शोरूम ओपन हुआ है। तो BYD की एक नई कार अपन BYD एटो 3 का आज रिव्यू शूट करेंगे। देखते हैं गाड़ी कैसी है, कंपनी कैसी है, फीचर्स क्या क्या है। दिखने में तो गाड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है। वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिएगा जिससे आपको कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले और जो उसकी नई गाड़ियाँ लॉन्च हुई है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। आगे बढ़ने से पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करना। तो देखिए गाड़ी का आगे का रिव्यू वीडियो। Moments later. तो ये है BYD Atto 3 जो BYD का हाल ही में रिसेंट लॉन्च प्रोडक्ट है। दिखने में गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश, बहुत ही ज़्यादा डिजाइनर, बहुत ही ज़्यादा बड़ी लग रही है। बात करें गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ ये गाड़ी टोटली इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है, इसमें कोई पेट्रोल डीजल ऑप्शन नहीं आता, इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये। तो आगे से जो इसका ग्रिल है वो टोटली कवर्ड है, BYD लिखा हुआ है। BYD का फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम्स। तो इसके हेडलाइट सेटअप की बात करें ऑल LED हेडलैम्प सेटअप के साथ में आती है, जिसमें आपको वन ओनली सिंगल पीस कनेक्टेड आपको हेडलाइट्स मिल जाती है। मैं इसको भी आपको टर्न ऑन करके दिखाता हूँ हेडलाइट्स। नीचे की साइड में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर एंड फ्रंट पार्किंग कैमरा मिल जाता है सेंटर में आपको। हेडलाइट्स में आपको भी ऑन करके दिखाता हूँ। तो कंप्लीट एक सिंगल यूनिट ऑल LED हेडलाइट्स के साथ में ये गाड़ी आती है, जिसमें आपको ड्यूअल LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, एक सिंगल DRL लाइट्स मिल जाती है गाड़ी के अंदर। दिखने में बहुत ही ज़्यादा आगे से मस्कुलर लगती है ये गाड़ी, और जो इसका हेडलाइट सेटअप दिया बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है। बात करें गाड़ी के टायर प्रोफाइल की तो देखने में इसमें जो अलॉय व्हील्स दिए गए हैं डायमंड कट अलॉय व्हील्स, ग्लॉस ब्लैक फिनिश के साथ सिल्वर का जो टच दिया गया है देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो 215/55 R15 के टायर प्रोफाइल के साथ में ये गाड़ी आती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इंडिकेटर्स आपको ओवरबीम्स पे देखने को मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड का डिज़ाइन आपको बहुत ही ज़्यादा एलिगेंस से देखने को मिलता है। जो कर्व्स दिए हैं गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश कर्व्स दिए हैं। ये जो डिज़ाइन दिया है ये ड्रैगन इंस्पायर्ड डिज़ाइन दिया है, क्योंकि ये चाइनीज मेकर है तो ड्रैगन इंस्पायर्ड डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो शार्क फिन एंटीना आपको रूफ पे देखने को मिल जाता है, रियर वाइपर आपको मिल जाता है, डिफॉगर्स मिल जाते हैं। BYD का बैजिंग आपको यहाँ पे कंप्लीट बैजिंग देखने को मिलता है, जिसमें बिल्ड योर ड्रीम्स लिखा हुआ है। गाड़ी का मॉडल बैजिंग आपको ऑटो 3 मिल जाता है, ऑटो 3 का स्पेसिफिक EV बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर और 1 रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ में ये गाड़ी आती है। टेल लाइट्स की बात करें तो टेल लाइट्स भी इसमें ओनली अ सिंगल पीस टेल लाइट्स है, जो दोनों टेल लाइट्स हैं पूरा ये पूरा रियर टेल लाइट है ये कनेक्टेड है, सिंगल पीस टेल लाइट्स के साथ में ये गाड़ी आती है। बात करें गाड़ी के डायमेंशंस की
तो डायमेंशन की अगर बात की जाए तो गाड़ी का जो ओवरऑल लेंथ है 4455 mm, 4455 mm का गाड़ी का लेंथ आता है। गाड़ी की हाइट की बात की जाए तो 1615 mm का गाड़ी का हाइट है। गाड़ी की अगर विड्थ की बात की जाए तो 1875 mm का गाड़ी का विड्थ है। सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 5 सीटर ये गाड़ी है जिसमें आपको 2 रो सिटिंग मिलता है। फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में आपको ये गाड़ी अवेलेबल होती है। गाड़ी के व्हील बेस की बात की जाए तो 2720 mm का आपको व्हील बेस मिल जाता है। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। गाड़ी के कब वेट की बात की जाए तो 1750 किलो, 71750 kg का कब वेट इस गाड़ी। गाड़ी के इंजन स्पेक्ट की बात की जाए तो अगर बोनट ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का अंदर गाड़ी का बोनट नज़र आता है। और ये जो गाड़ी का अंदर आप देखते हैं यहाँ पे इंजन की जगह आपको मोटर मिलती है। तो गाड़ी में जो आगे की साइड आपको इंजन की जगह मोटर देखने को मिलती है, जो मोटर आपकी प्रोड्यूस करती है 201 bhp पावर एंड 310 nm का टॉर्क जनरेट करती है। ड्राइविंग रेंज की बात की जाए तो जो आपका बैटरी है इसका नीचे की साइड में देखने को मिलता है, और जो बैटरी आपका ड्राइविंग रेंज प्रोड्यूस करती है 522 किलोमीटर, कंपनी क्लेम करती है 522 किलोमीटर का आपको ड्राइविंग रेंज प्रोड्यूस करती है। बैटरी की कैपेसिटी की बात की जाए तो 60.48 kW का आपको लिथियम ईऑन बैटरी मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी के बूट की बात की जाए तो बूट के लिए आपको वन टच बटन नीचे की साइड में मिल जाता है। ओके, वन टच बटन के साथ में ऑल इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ पे आपको बटन मिलता है जिसे आप एक सिंगल टच पे ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं गाड़ी को। बूट स्पेस की बात की जाए तो 440 लीटर का आपको अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। बूट में ही आपको पार्सल ट्रे कंपनी की तरफ से ऑफर की जाती है। तो सर इसकी अगर बूट्स की बात की जाए तो बूट में यहाँ पे एक स्पेयर जो व्हील होता है, स्पेयर व्हील कहाँ पे है इसका? पर्टिकुलरली BYD ऑफर नहीं कर रही है। ओके, स्पेयर व्हील, सो स्पेयर व्हील की जगह पे पंचर रिपेयर किट एंड फ्लूइडर ऑफर कर रहा है कंपनी ने। पंचर रिपेयर किट एंड ओके, स्टेपनी प्लेस कर सकते हैं। ओके, ये स्पेस की जगह आप स्टेपनी अलग से प्लेस कर सकते हैं। ओके, एंड बूट स्पेस टोटली 440 लीटर का है, सो दिस इज एडजस्टेबल आल्सो। ये आपका 400 लीटर हो गया एंड ये 440 लीटर हो गया। ओके, बैक सीट 60-40 स्प्लिट। बूट में आपको एक LED लाइट्स देखने को मिल जाती है। गाड़ी के अगर कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें ओवर स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जो स्पीड जाती है इंडिया में वो वार्निंग मिल जाता है। लेन डिपार्चर वार्निंग मिल जाता है। इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग मिल जाता है। पंचर रिपेयर किट आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। FCW फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। AEB ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग का फीचर आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। हाई बीम असिस्ट आपको ये गाड़ी ऑफर करती है, और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी ये गाड़ी में आपको फीचर मिल जाता है। लेन डिपार्चर प्रोविजन भी आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। रियर क्रॉस ट्रैफिक असिस्ट इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। टोटल अगर एयरबैग्स की बात की जाए तो 7 एयरबैग्स के साथ में ये गाड़ी ऑफर की जाती है। गाड़ी की ब्रेकिंग की बात की जाए, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, तो हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सारे ही फीचर आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। सारे ही जरूरी ब्रेकिंग के फीचर्स इस गाड़ी में आपको दिए गए हैं। बहुत ही अच्छा फीचर आता है NFC। NFC का फीचर सर एक्सप्लेन करेंगे आपको। सर ये किस काम आता है NFC का फीचर? NFC बेसिकली फॉर लॉक एंड अनलॉक द कार। अगर आप इसको यहां पे जैसे टच करेंगे तो कार ओपन हो जाएगी एंड NFC के थ्रू क्लोज हो जाएगी। यू कैन कीप इट इन योर वॉलेट। ओके, एंड दैट इज द थर्ड की फॉर द कार। ओके, अलोंग विद दिस कंपनी इज ऑफरिंग टू कार्स, टू कीज, लाइक दिस वन। ओके, सो व्हेन यू होल्ड दिस फॉर अ लॉन्ग, ओके, सो कार अपने आप स्टार्ट हो जाएगी एंड AC स्टार्ट हो जाएगा कार का। ओके, सो इसका एज यू कैन सी LED चालू हो गई है, अंदर से इंटीरियर भी चालू होगा। ओके, एंड AC के थ्रू आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो कुछ गाड़ी में अच्छे फीचर्स हैं, मतलब कि आप की से भी इसको गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी को आपको पहले स्टार्ट करके रखना हो थोड़ी देर के लिए, गर्मी के टेम्परेचर, गर्मी में AC चालू करना हो तो आप की से ही कर सकते हैं। और NFC का फीचर बेसिकली एक NFC थर्ड कार की जैसे की मिल जाता है आपको, जिससे आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। कुछ इस तरह का आपको ये कार मिलता है, जो यहाँ पर आपको आपके जो साइड मिरर्स हैं उस पर आपको टच करेंगे तो आप गाड़ी लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। ड्राइवर सीट आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ड्राइवर सीट मिल जाती है।
कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गाड़ी का नजर आता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही ज्यादा छोटा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सर क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने को देखने को मिल जाती है? इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में बेसिकली आप देख सकते हैं कार की रेंज, कितने परसेंट चार्ज है कार, TPMS इज अ पार्ट ऑफ लाइक क्लस्टर। 5 inches के क्लस्टर पे आपको ऑलमोस्ट आपके कौन से टायर में प्रेशर कम है, ये सारे फीचर्स आपको देखने को, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको इस अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाता है। देन आपको रेंज देखने को मिल जाएगी, टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा, कौन सा मोड आप ड्राइव कर रहे हैं वो पता चल जाएगा आपको, एंड द लास्ट वन इज बेसिकली कौन सा रीजनरेशन मोड आपने एक्टिव कर रखा है। ओके, स्टीयरिंग व्हील की बात करें, स्टीयरिंग व्हील पे आपको बेसिकली बेसिक कंट्रोल मिल जाते हैं, जो आपको राइट हैंड साइड पे आपके मीडिया कंट्रोल्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्रूज कंट्रोल्स हैं। ये अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल एक्टिव करने के लिए है, दिस इज फॉर 360 व्यू कैमरा। ओके, यहाँ से आप 3D इमेज देख सकते हैं कार की, सो दैट इज एनिमेटेड एंड सैटेलाइट से कैप्चर करी। एंड इस बटन से आप स्क्रीन को पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड पे रोटेट कर सकते हैं। ओके, एंड इन बिल्ट इसमें एयर प्यूरीफायर है जो कि आपको एक फ्रेश ब्रीथ देता है। ओके, साथ के साथ यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड दे रखा है फॉर AIOS सपोर्ट फोन्स। सेटिंग्स में आपको काफ़ी अच्छा फीचर मिल जाएगा जो कि ड्राइविंग रिकॉर्ड का है, कि जैसे आपने कार स्टार्ट करी तो इन केस ऑफ कोलिजन या फिर आप सेंचुरी में कहीं जा रहे हैं तो यू कैन रिकॉर्ड योर पिक्चर्स एंड वीडियोस। ओके, एंड लेटर ऑन 128GB सपोर्टिव कार्ड है, सो आप उसमें देख भी सकते हैं। ओके, ये AC वेंट्स है आगे के, ये ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में आता है AC? बिल्कुल सर, ये जो AC वेंट्स है डंबल डिजाइन, कार को म्यूजिक एंड जिम से ज्यादा रिलेट किया है। सो दिस इज डंबल डिजाइन, दिस इज मसल स्ट्रक्चर, आप ये जो पैटर्न देख रहे हैं। ओके, ये दिस इज ट्रेडमिल डिजाइन आर्मरेस्ट एंड दीज आर ट्रिप सॉरी दीज आर ग्रिप डिजाइन डोर हैंडल्स। ओके, दीज आर डोर हैंडल्स, ये डोर हैंडल्स है सर। ओके, IRVM की बात करें तो IRVM आपका ऑटो डिमिंग के साथ में आता है, कंप्लीट ऑटो डिमिंग के साथ में आता है। ओके, एंड आपको स्क्रीन पे ही कमांड दे रखा है, अगर आपको स्क्रीन आपका शेड ओपन करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गिव अ कमांड हाई BYD ओपन सनरूफ। ओके, तो ये कंप्लीट वॉइस कमांड भी सपोर्ट करता है और आप यहाँ से मैनुअली भी इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। आप अदरवाइज आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच ऑप्शन दे रखे टू लॉक एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। कुछ यहाँ के फीचर्स की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे बटन्स दिख रहे हैं, ये सब बटन्स बेसिकली सर दिस इज फॉर हजार्ड लैम्प, दिस इज रियर पार्किंग सेंसर्स, दिस इज ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग एक्टिवेशन, ऑटो होल्ड, ये रीजनरेशन के लिए है। ओके, सो स्टैंडर्ड एंड हाई बेसिकली। ये आपका इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक है, ये स्नो मोड है, अगर आप कहीं कीचड़ वगैरह एरिया में हैं और आपको चारों व्हील ड्राइव करने हैं निकलने के लिए तो आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। ओके, मतलब इसमें ऑल व्हील ड्राइव का फीचर भी आता है। यस, वैसे नॉर्मली फ्रंट व्हील ड्राइव पे गाड़ी चलती है। राइट सर, ऑटो AC फैन ऑफ ऑन एंड ऑफ एंड फ्रंट ब्लोअर। ओके, वॉइस का आपको दो जगह कमांड दे रही है, वॉइस के लिए आप पर्टिकुलर यहाँ से भी इसको ऑन कर सकते हैं, डायरेक्ट का म्यूजिक सिस्टम है इसमें विद 4 speakers एंड 4 tweeters। ओके, आर्मरेस्ट की बात की जाए तो आर्मरेस्ट के अंदर सीट में कुछ स्टोरेज स्पेस है इसमें? हाँ, स्टोरेज स्पेस आप लगभग 20 लीटर्स का अराउंड देख सकते हैं, 20-25 लीटर। और कुछ गाड़ी के स्पेशल फीचर्स जो आप बताना चाहें सर? बेसिकली कार ADAS लेवल 2 प्लस के संग आती है तो बहुत ही डिफरेंट एक यूनिक ड्राइविंग कंडीशन मतलब लाइक ड्राइविंग मिलती है अपन को, एंड जब आप ड्राइव कर रहे हैं कार को सो इट कम्स विद फुली फीचर्स, सो सनरूफ है, वायरलेस चार्जिंग है, एयर प्यूरीफायर है, एंड इट इज़ फुली बेसिकली स्पोर्ट बॉर्न SUV। ओके, गाड़ी के हिडन फीचर की बात करें तो आपको नीचे की साइड में आपको USB Type-C पोर्ट के मिल जाता है, USB पोर्ट मिल जाता है, एंड एक 12 volt का पावर सॉकेट भी मिल जाता है। गेट्स की बात की जाए तो गेट्स पे आपको ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, OVM कंट्रोल्स मिल जाते हैं, नीचे के साइड एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, बूट ओपन करने के लिए आपको बटन यहाँ पे मिल जाता है, बूट आपका वैसे भी इलेक्ट्रिकली है तो आप इसको की से भी और पीछे से भी इलेक्ट्रिकली ओपन और क्लोज कर सकते हैं। गाड़ी के एक और फीचर की बात की जाए तो गाड़ी की से जो आपकी ये की है, की भी बहुत स्मार्ट की है, जैसे आपको दिखाया था कि गाड़ी अगर ऑटोमेटिक आपको गाड़ी की से स्टार्ट करनी है तो आप की से स्टार्ट करके भी छोड़ सकते हैं, जैसे आपका अगर गर्मी में AC चालू करके रखना है बैठने से पहले तो वो भी कर सकते हैं। तो ये जो बटन है सेंटर में अनलॉक वाला, इसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो गाड़ी अनलॉक होगी, और उसके साथ साथ आपके ऑल 4 पावर विंडो आप जितना देर प्रेस करके रखेंगे पूरा डाउन हो जाएंगे, दोबारा आप इसको प्रेस करेंगे होल्ड करेंगे तो आपके ये पूरा डाउन होंगे,
आप इसको लॉक वाले को प्रेस करेंगे, जो इसका लॉक बटन है लॉक को आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी और सारे पावर विंडोज़ वापस अप हो जाएंगे। तो की बड़ी स्मार्ट की दी गई है गाड़ी में, जिससे सारे ही फीचर आप मतलब मोस्टली जो फीचर आपके नेसेसरी फीचर्स में गाड़ी स्टार्ट करना, विंडोज़ अप एंड डाउन करना, वो सारे आप की से कर सकते हैं। गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर गेट भी आपको, तो आपको जो डोर हैंडल है बड़ा ही यूनिक से डिज़ाइन में डोर हैंडल देखने को मिलता है, जिसमें आपको ट्विटर के ऊपर ही डोर हैंडल दिया गया है। नीचे के साइड आपको पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, एक स्पीकर मिल जाता है, एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। रियर सीट स्पेस की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा विड्थ के साथ ही गाड़ी आती है, जिसमें तीन लोग कंफर्टेबली पीछे की साइड बैठ सकते हैं। सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है विद टू कप होल्डर्स। हाइट एडजस्टेबल आपको यहाँ पे हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और सेंटर में भी आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ में हेडरेस्ट मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मोस्टली गाड़ी में आपको सेंटर में हेडरेस्ट नहीं मिलता है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर में भी आपको एसी वेंट्स ऑफर किए गए हैं, BYD डिज़ाइन का बैजिंग मिल जाता है। नीचे के साइड में एक USB सॉकेट एंड एक टाइप सी सॉकेट मिल जाता है, और उसके नीचे एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। तो रियर प्रोफाइल से देखने में गाड़ी कुछ इस अच्छी तरह से नज़र आती है। 12 इंच का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। रियर में भी आपको LED लाइट्स देखने को मिल जाती है। डोर हैंडल्स की ग्रैब हैंडल्स की बात करें तो आपको तीनों साइड ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड के अलावा आपको तीनों साइड ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, दोनों साइड आपको LED लाइट्स मिल जाती है। ग्रैब हैंडल्स पे आपको एक हुक देखने को मिल जाता है, दोनों ही साइड आपको ग्रैब हैंडल्स पे हुक देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी फीचर लोडेड कार है, अच्छे सारे ऑलमोस्ट सारे नेसेसरी फीचर्स इस गाड़ी में लोड करके दिए जाते हैं आपको। बात करें BYD Atto 3 के प्राइसिंग की, तो 33.99 लाख के एक्स शोरूम प्राइस के साथ में ये गाड़ी आती है, जो इसका एक्सटेंडेड रेंज मॉडल है 33.99 लाख का आता है। जो इसका स्पेशल एडिशन मॉडल है, स्पेशल एडिशन में सिर्फ आपको कलर डिफरेंस देखने को मिलता है, वो आपका 34.49 लाख के एक्स शोरूम प्राइस के साथ में आता है। तो 50,000 का डिफरेंशिएट आता है, वो आपको एक कलर के कारण देखने को मिलता है। अदरवाइज जो आपका एक्सटेंडेड रेंज मॉडल है वो आपका 33.99 लाख एक्स शोरूम प्राइस से स्टार्ट हो जाता है। तो फीचर और प्राइस के हिसाब से, और जो इसका EV होने के बाद आपको जो बैटरी रेंज देखने को मिलता है, रेंज के हिसाब से ये गाड़ी वर्थ फॉर द मनी लगता है, क्योंकि इतना रेंज अभी इंडिया में मोस्टली बहुत ही कम गाड़ियां ऑफर करती है आपको इतना ज़्यादा रेंज, मतलब जो इतना ज़्यादा रेंज ये गाड़ी ऑफर कर रही है, 522 किलोमीटर का रेंज आपको एक बार में ऑफर करती है ये गाड़ी। इस प्राइस सेगमेंट में आपको बहुत ही कम गाड़ियाँ देखने को मिलती है, एंड जितनी फीचर लोडेड ये कार है उस हिसाब से गाड़ी को बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है। गाड़ी के सारे चीज़ें अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई है, मतलब मैंने जो पता चला मुझे कि ये जिम और उसको देख के डिज़ाइन की गई है। तो जो ये शेप है ये डंबल शेप में आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आपका मसल्स का शेप दिख रहा है, यहाँ आपको ग्रैब हैंडल जो है वो डंबल ग्रैब करते हैं उस शेप में दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको जिम इंस्पायर्ड दिख जाती है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन, ब्यूटीफुली डिज़ाइन कार है ये। तो किसी को अगर इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जाना है, इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना है, तो डेफिनेटली इस गाड़ी को कंसिडर कर सकता है। तो इसकी वारंटी की बात की जाए तो कंपनी क्या वारंटी प्रोवाइड करती है गाड़ी में? बैटरी की वारंटी की बात करते हैं तो बैटरी की वारंटी 8 years 1,60,000 किलोमीटर्स के लिए है। ओके। मोटर की वारंटी है 8 years 1,50,000 किलोमीटर्स। ओके। एंड पूरी कार की बात करते हैं, जिसमें आपका म्यूजिक सिस्टम, कॉइल सिस्टम, स्टेयरिंग व्हील एंड अदर पार्ट्स आ जाते हैं, उसकी 3 years and 1,25,000 किलोमीटर के लिए है। थैंक यू सर फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो ये था BYD Atto 3 का रिव्यू। पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर से दबा देना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।